से देखा जाता है। भवन का मकान का संबंध अच्छा है, वाहन का संबंध लग्जरी वाहन, ये सारे चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। और वैभव कितना होगा इनके पास, वो सारी चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। और वो शुक्र अभी 17 नवंबर तक वो नीच राशि का चल रहा है। अब ये शुक्र नीच राशि का है, उसके पश्चात में 17 तारीख से वो राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं की तुला राशि पर जाएगा। तुला राशि शुक्र की स्वयं की है और तुला राशि पूरी राशियों में सुंदरता का रूप होता है, इसलिए सुंदर राशि है और सुंदर ग्रह है, कला का ग्रह है, कला का। तो इस बीच में क्या होगा कि कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं शुक्रदेव, कलाकारों के लिए एक अच्छा संयोग बनाने वाले हैं जो कि कला से जुड़े हुए हैं, जैसे नृत्य कला हो, डांस कला हो, चित्र कला हो, लेखन कला हो, गायन कला हो, ये सारी चीजें कला के क्षेत्र में, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। जो भी प्रतिकूल प्रभाव अभी नीच राशि ने डाला वो अनुकूल प्रभाव आने वाला है। और स्त्री का सहयोग भरपूर मिलेगा और स्त्री के सहयोग के साथ साथ में उसके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा इस सप्ताह में, और उनके रूप लावण्य का भी जो है सो श्रृंगार की आदत पड़ जाएगी, श्रृंगार विशेष करने लगेंगे। इस प्रकार से शुक्रदेव बता रहे हैं। और बुधदेव जो बुद्धि का कारक ग्रह है, वो बुधदेव जो है सो 17 तारीख को ही जो अभी तुला राशि पर चल रहे हैं तो वो वृश्चिक राशि पर जाएंगे, दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। दूसरा स्थान धन का, कुटुंब का होता है, तो धन से संबंधित, कुटुंब से, परिवार से संबंधित एक सौहार्द बढ़ेगा, सब में प्रेम में मुलाकात होगा, धन का संग्रह करने का वो होगी, स्थायी स्थिति बनेगी। ये बुधदेव कराएंगे, व्यापार के कारक बुध हैं, इसलिए व्यापार में सिद्धि देने वाले हैं, अच्छी जगह व्यवसाय होगा और जो व्यापार चल रहा है उसमें बिजनेस अच्छा चलेगा, साथ साथ में नए नए उद्योग खुलने के भी संकेत दे रहे हैं और विकास होता रहेगा इस सप्ताह में। बुध हो गया और अब सूर्यदेव क्या कर रहे हैं कि सूर्यदेव अभी 16 तारीख से वो तुला राशि जो नीच राशि पे चल रहे हैं वो वृश्चिक राशि पे आ जाएंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि पे जब सूर्य आएंगे तो आपकी तुला राशि से आपकी तुला राशि से दूसरे स्थान पे पहुंचेंगे, तो बुध और सूर्य दोनों का संयोग रहेगा। बुधदेव बकरी चल रहे हैं, अति सुफलदायक हैं, और सूर्यदेव जो है सो नीच से उतर करके और वृश्चिक पर जाएंगे तो मित्र क्षेत्री हो जाएंगे, मित्र के घर में पहुंच जाएंगे। जो मित्र के घर में शुक्र जब पहुँच सूर्यदेव पहुंचेंगे तो ऊर्जा शक्ति देने वाले हैं, प्रभाव उत्पादक हैं, पुलिस विभाग के लिए, मिलिट्री के लिए बहुत ही अच्छा समय है, अनुकूल समय है, और राज्य सत्ता के लिए भी बहुत अच्छा सत्ता है। सत्ता के अंदर जो प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं उनमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनमें काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और प्रशासनिक गुण या तो जो अभी तक अधम पड़े हुए थे, नीचे लटके हुए थे, उन काम करने की क्षमता के साथ ईमानदारी से कुछ प्रभाव पड़ने लगेगा, मुस्तैदी के साथ कार्य करने की क्षमता आ जाएगी और प्रशासक वर्ग, राजनेता लोग, इनमें भी चुस्ती फुर्ती आने लगेगी। इनके अंदर भी थोड़ा सा जो आलस्य छा गया है, काम करने की क्षमता नहीं है, उसमें भी एक स्फूर्ति आ जाएगी। जो चल रहा जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा और अंकुश होने के साथ साथ थोड़ा प्रभाव पड़ेगा जनसाधारण के ऊपर, जिसमें पुलिस का अनुशासन बन सके। पुलिस का अनुशासन अभी इस पूरे नीच राशि के सूर्य में एकदम लचर पड़ा रहा और उसमें कोई कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अब पुलिस की मुस्तैदी और मिलिट्री की मुस्तैदी से बड़े बड़े कार्य होंगे इस सप्ताह में। और मंगल देव, जो मंगल सबसे बड़ा
पुलिस का कारक है या मिलिट्री का कारक है, ऊर्जा का कारक है, शक्ति का कारक है, ये कहाँ पर है? मीन राशि पर है। मीन राशि पर है 14 तारीख से वो बकरी थे तो मार्गी हो चुके हैं, तो अब मार्गी मीन राशि पर हैं तो तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन छठवें स्थान पर मंगल हैं। छठवें स्थान का लोग शत्रु और विरोध झगड़े का है स्थान है। यहाँ पर मंगल क्या करेंगे? मंगल यानी पुलिस का मिलिट्री में आपस में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति के साथ वो अपना उपयोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि मंगल देव यह सो बहुत शक्तिशाली स्थान पर है। इस समय पंचम बुद्धि स्थान पर है वो, तो बुद्धि स्थान पर छठवें स्थान पर है मंगल देव, तो छठवें स्थान पर क्या करेंगे? तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन छठवें स्थान पर मंगल क्या करते हैं? रोग और शत्रुओं का विनाश करेंगे। जो दुश्मन है उनका विनाश होगा, जो शत्रु क्षेत्रीय लोग हैं उनका विनाश होगा, जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो राज्य सत्ता के विरोधी विरोध में चल रहे हैं उनकी धरपकड़ ज़्यादा होगी और उनका रहस्य खुलेगा, उनका सब भंडाफाड़ होने वाला है। और जो पुलिस विभाग में जो आतंक मचा हुआ था, पुलिस विभाग ने जो आलस बना रखा, उसमें भी गुस्तेजी के साथ कार्य होगा तो अंकुश पुलिस के ऊपर भी लगेगा, तो तभी उनके ऊपर स्फूर्ति आएगी, शासन का डंडा उनके ऊपर चलने वाला है। मंगलदेव करेंगे, गुरुदेव का करेंगे तुला वृश्चिक को धनु, धनु राशि पर 20 तारीख तक गुरु हैं, 20 तारीख के बाद में मकर राशि पर जाएंगे, तो 20 तारीख के पूर्व जो है गुरु 20 तारीख तक क्या तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए सप्तम स्थान पत्नी का होता है, वहाँ दृष्टि जा रही है, तो पत्नी का स्वास्थ्य सुधारेंगे, स्वास्थ्य स्वभाव सुधारेंगे और पत्नी का जो है सो पत्नी की सलाह आपको मिलेगी, उससे आप जो है सो थोड़े से परेशान जरूर होंगे लेकिन पत्नी की सलाह आपको विशेष कार्य करने वाली रहेगी। साथ साथ में बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग व सुख मिलेगा, लाभ की मात्रा अच्छी हो जाए, प्रशस्त मार्ग से अच्छे मार्ग से लाभ मिलेगा इस सप्ताह में। आज और शनिदेव का करेंगे, शनिदेव इस समय तुला राशि से ढैया चल रहे हैं, 8वें स्थान पर चल रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में और पिता को दोनों को ये थोड़ा सा कष्टकारक है। कर्म क्षेत्र किसी की नौकरी चल रही है, उस नौकरी में कुछ व्यवधान आ सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है, नौकरी छूट भी सकती है, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पिता का स्वभाव भी बिगड़ सकता है। इस प्रकार से ये शनिदेव आपके जो है सो आपकी तुला राशि से तुला चौथे हैं, चतुर्थ स्थान पर चल रहे हैं, तो और उसके बाद क्या करेंगे? रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी दुष्प्रभाव थोड़ा डालेंगे। इस प्रकार के शनिदेव भी अपना कार्य विपरीत दिशा में करेंगे। और राहु देव क्या करेंगे? राहु इस समय वृषभ राशि पे चल रहे हैं और वृषभ राशि और तुला राशि दोनों शुक्र की है, तो यहाँ से क्या है? तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक यानी अष्टम स्थान पर चल रहे हैं, खड़ाष्टक योग है, खड़ाष्टक 8वें स्थान पर राहुदेव चलने से अष्टम क्या करेंगे? अचानक होने वाली दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए, दुर्घटना करा सकते हैं, साथ साथ में आपको किसी से विवाद अचानक जो है सो होने वाले नुकसान से सावधान रहना है और धन कुटुंब में भी थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार के राहुदेव भी अपना विपरीत दिशा में कार्य करने की सुझाव दे रहे हैं, तो राहुदेव भी ठीक है, गुरुदेव ठीक है, शुक्रदेव ठीक है। अब चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी? यानी 15 तारीख को चंद्रदेव आपकी राशि पर ही जाएंगे तुला राशि पर, तो आद्या चंद्र श्रिया कुरियात, प्रथम जो चंद्रमा है वो लक्ष्मीदायक है, आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति का दिन है आपका 15 तारीख। द्वितीय संपत्ति उत्तमाम और 16 व 17 तारीख को उत्तम संपत्ति देने वाले हैं, वो भी उत्तम और धन कुटुंब में धन संपत्ति का स्थायित्व बनने वाला है। और तृतीय धन संपत्ति और 18 और 19 तारीख को धन संपत्ति
वो और ही मतलब कि 15, 16, 17, 18, 19 तक आपके चंद्रदेव बहुत ही अच्छा प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखेंगे और संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, किसी प्रकार का दुख ना नहीं होना है। लेकिन 20 और 21 तारीख को सप्ताह के अंतिम दिनों में ये चंद्रदेव आपको भारी हानि पहुंचाने वाले हैं, खास करके 21 तारीख को। इस तारीख में आपको बहुत सावधानी से काम करना है, मित्रों से विरोध हो सकता है और माता को कष्ट हो सकता है और वाहन से थोड़ा सावधान चला रखना है और इस प्रकार से भौतिक सुख साधनों की कमी रहेगी और कुछ न कुछ भौतिक सुख साधनों में परेशानी आ सकती है। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए सप्ताह मंगलमय बीतेगा। मंगल कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह अच्छा बीते। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।